नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों में से एक स्वरूप देवी कूष्मांडा का है। आज नवरात्रि के 4th दिन माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है, जिनकी आराधना करने मात्र से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कूष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में होता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य लोक में निवास कर सकने की शक्ति केवल माँ कूष्मांडा में ही है। अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण उन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था, तब कूष्मांडा देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इससे पहले ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था। आइए देखते हैं क्या है देवी कूष्मांडा की पूजा का विधि विधान। नवरात्रि के 4th दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माँ की पूजा के लिए लाल वस्त्र धारण करें। उसके बाद शांत और सच्चे मन से माता की पूजा करें। देवी कूष्मांडा की पूजा में कुमकुम, मोली, अक्षत, पान के पत्ते, केसर और श्रृंगार चढ़ाएं। यदि सफ़ेद सीताफल है तो उसे माता रानी को अर्पित करें, फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में घी के दीपक से माँ कूष्मांडा की आरती करें। माँ कूष्मांडा को पूजा के समय हलवा, मीठा दही या मालपुए का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं और इस भोग को खुद ग्रहण करें और साथ ही ब्राह्मणों को भी दान दें। कहते हैं कि देवी के इस तजोमय रूप की जो भक्त श्रद्धा भाव से भक्ति करते हैं और नवरात्र के 4th दिन इनका ध्यान करते हुए पूजन करते हैं, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। माँ अपने भक्त की हर मनोकामना को पूरी करती हैं और अपने भक्तों को भोग से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करती हैं।